झांसी की सीपरी बाजार थाना पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां थाना पुलिस ने 3 सातिर चोरों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से चोरी का 5.5 लाख रुपए का माल भी बरामद किया है। मिली जानकारी के मुताबिक झांसी के गोंदू कंपाउंड में रहने वाले प्रशांत कुमार ने विगत दिनों सीपरी बाजार थाने में अपने घर में हुई चोरी की घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसके बाद से ही पुलिस उक्त मामले की जांच में जुटी थी। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर 3 चोरों को पकड़ने में सफलता प्राप्त की है। पुलिस ने पकड़े गए चोरों के पास से लगभग 5.5 लाख रुपए कीमत का चोरी का सामान भी बरामद किया है। पकड़े गए चोरों के अन्य साथियों की तलाश जारी है। पकड़े गए चोरों के नाम अमित पाठक सोनू सैनिक और राहुल सैन बताए गए हैं। तीनों मध्य प्रदेश के दतिया जिले के रहने वाले बताए गए हैं। वहीं घटना का खुलासा करते हुए झांसी एसपी सिटी ज्ञानेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि पकड़े गए चोर पौश इलाकों में जाकर पहले रेकी करते थे, फिर चोरी की घटना को अंजाम दिया करते थे। फिलहाल पकड़े गए चोरों के खिलाफ संबंधित धाराओं में कार्रवाई की गई है। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए झांसी से ब्रजेश परिहार की रिपोर्ट। 11/8/2023 को प्रशांत चौरसिया, जो गोंदू कंपाउंड सिकरी बाजार के रहने वाले हैं, इन्होंने थाने पर शिकायत दी थी कि इनके घर में चोरी हो गई है, जिसके संबंध में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया था और वर्कआउट केस को वर्कआउट करने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश पर टीम गठित कर दी गई थी। आज 3 अपराधियों को पकड़ लिया गया है, जिनसे चोरी में गया हुआ माल बरामद किया गया, करीब 5.5 लाख कीमत का माल बरामद कर लिया गया है। और तीनों अपराधी जो इस चोरी में शामिल थे और जो गाड़ी लेकर के आए थे चोरी करने के लिए, वो भी बरामद कर ली गई और तीनों अपराधियों को जेल भेजा जा रहा है। हाँ, इनसे पूछताछ करने पर कुछ और नाम आए हैं और उनके पीछे हम लोग लगे हुए हैं, उनको भी यथाशीघ्र गिरफ्तार करें। ये गाड़ी से आते थे और रेकी करते थे, रेकी के दौरान जो घर इनको बंद मिलता था उसमें ताला तोड़ करके उसमें घुस करके चोरी कर ली जाती थी। अभी जो ये पकड़े गए हैं, इनका कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है, बाकी कुछ लोगों के नाम आए हैं, उन लोगों की क्रिमिनल हिस्ट्री। सर, गिरफ्तार कैसे किया गया? एक गिरफ्तारी सीसीटीवी से और सर्विलांस के माध्यम से, हम लोगों ने जब केस को वर्कआउट करने का प्रयास किया था तो इसमें कुछ सीसीटीवी फुटेज आदि मिल गई थी, जिससे इनका चेहरा क्लियर हो गया था और उससे हम लोगों ने इनको ट्रेस करके गिरफ्तार किया है।